Hi guys, welcome back to my channel Amarjeet Nagra. Hope you all are doing well, and this is my first collaboration video. और ये मेरा जो collaboration है ये Instagram page के साथ है, and I'm going to review my sketch. Someone has made this sketch and that's what I'm going to introduce. ये मेरा स्केच किसने बनाया है. और आप लोग प्लीज़, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरे चैनल पे एजुकेशन, ब्यूटी, फैशन, किचन ब्लॉग्स, वॉट एवर आई लव टू डू, मैं वो सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ. और आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मेरा स्केच, और आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आर वी बोथ लुक सेम. और ये है मेरा स्केच जो मेरे एक फ्रेंड ने बनाया है, जिनका इंस्टाग्राम पेज है, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और मैं अभी आपको ये अच्छे से दिखाने वाली हूँ. और ये देखिए स्केच की डिटेलिंग, मीन्स जो हेयर है उसकी भी एक एक चीज़ जो है, मेरे ईयर रिंग्स, मतलब इतनी अच्छी फिनिशिंग है कि सच अ गुड टैलेंट. और इफ़ यू कैन सी कि ये जो मैंने बैग हैंग किया हुआ था उसकी ज़िप, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें फिनिशिंग आई हुई है. और जो ये बैग की ये जो चीज़ है इसमें शाइन है, और वो शाइन, मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग टैलेंट. मतलब बहुत एक एक चीज़ को इतनी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. और मेरे सूट का प्रिंट जो है वो भी आप देखिए, इसीलिए मैंने ये वाला सूट डाला है आज. और मेरे ईयर रिंग्स, तो आइज़, मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बनाई हुई है. और मुझे ये स्केच जो है वो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे फैमिली को भी, मेरे मॉम, माय मॉम सेड कि अरे कितनी मेहनत की हुई है. तो बहुत ही अमेजिंग स्केच है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और वो जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. और ये जो फ्रेमिंग है वो आपकी चॉइस है कि आप इसको लैमिनेट भी करवा सकते हैं, आप इसको फ्रेमिंग भी कर सकते हैं. और उनके जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत नॉमिनल हैं. आप चाहें तो कलर्ड स्केच बनवा सकते हैं, आप चाहें तो ब्लैक एंड वाइट स्केच बना सकते हैं. और अपने लव्ड वंस को सरप्राइज गिफ्ट करो उनको, इस तरह के आप बहुत ही गिफ्टिंग के लिए बहुत अमेजिंग आइडिया है. किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को, एनिवर्सरी गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, आप ये इस तरह का गिफ्ट देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. क्योंकि इस तरह के कस्टमाइज गिफ्ट जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी हैं, और इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब हम लोग कुछ स्पेशली किसी के लिए करते हैं. और अगर आपको किसी और को गिफ्ट नहीं करना तो अरे अपने आप को गिफ्ट करो ना, ये मत सोचो कि अरे मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है. मतलब हम लोग हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं कि नोबडी इज़ गिफ्टिंग मी, काश मुझे भी गिफ्ट करता. अरे गिफ्ट टू योर सेल्फ, अपनी खुशी जो होती है वो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है. तो अपने आप को गिफ्ट करो इस तरह के स्केचेस बना के, बनवा के मतलब. और मैंने उनके इंस्टाग्राम पेज को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, और आप प्लीज़ जाके उनका इंस्टाग्राम पेज एक बार ज़रूर देखिए. और अगर आपको स्केच ऑर्डर करना हो तो उनको DM कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिए उनका इंस्टाग्राम पेज, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके अलावा, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्केच का रिव्यू किया है, आप उनका इंस्टाग्राम पेज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितने सारे स्केचेस बनाए हैं. और एक से बढ़कर एक स्केच है, बच्चों के, सेलिब्रिटीज़ के, सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के स्केचेस बनाए हैं. और इतने अमेजिंग है ना, मतलब मुझे सबसे बेस्ट स्केच जो है, मतलब सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट सोनम बाजवा वो मुझे वैसे ही अच्छी लगती है, शी इज़ ब्यूटीफुल. तो उनका स्केच बहुत सुंदर है, सिद्धू मूसेवाले का कलर स्केच है. आप सारे स्केचेस जाके चेक कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे. और उनके जो चार्जेस हैं वो भी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत नॉमिनल है, प्रीपेड ऑर्डर है तो इट इज़ नॉट फेक, ट्रस्ट मी कि वो फेक नहीं है कि हाँ पहले से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और पैसे ख़राब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत मेहनत का काम है ये, तो दिस इज़ रियली अ ब्लेसिंग. आई रियली वॉन्ट टू थैंक
दिस आर्टिस्ट अंजलि, एंड आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उनसे स्केच ऑर्डर करेंगे। और जब किसी को खुशी मिलती है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि हमारी वजह से अगर हम किसी को इस तरह का गिफ्ट करते हैं। लेकिन मैं एक आइडिया आपको दूं, अगर आपको कभी किसी को गिफ्ट करना है ना तो उनको बताना मत, सरप्राइज गिफ्ट करना। उससे मतलब कि जो खुशी होती है ना दूसरे पर्सन की, वो अमेजिंग हो जाती है। तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपको मेरी ये फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।